दोस्तों, आपको SBI स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आशीष से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। जुलाई मंथ का पार्ट 3 वीडियो है दोस्तों। इसके पहले जुलाई मंथ का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो भी बना चुके हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जा करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जनवरी मंथ का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून मंथ का भी जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर किसी भी मंथ का जो है वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। लेकिन प्रश्न के बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जो दबाएं, जो कि उससे नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का मिलता रहे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस संस्था ने ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया है? तो किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक के द्वारा जो है ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस 2021 जारी किया गया। इसको नोट में दिया हुआ दोस्तों, नोट के बारे में बताते हैं क्या क्या इसके बारे में है। विश्व बैंक ने ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस 2021 जो है जारी किया है। इसमें क्या क्या चीज़ जारी किया है? उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल पेमेंट्स है एंड रिसाइलेंस इन द एज ऑफ द कोविड-19 है। ठीक है दोस्तों, ये सब तीन जारी किया है। इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास जो है बैंक रहित होने की अधिक संभावना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका मेजबान वान शहर है। वान शहर में जो है वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबानी किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन के इंग्लिश क्या बोलते हैं? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं नोट में क्या है। 2022 का वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन वान जर्मनी में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, वान में जर्मनी में जो है आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, वान शहर है जर्मनी में, जर्मनी के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच ने घोषणा की। किसने की? सरकारी विज्ञान नीति मंच ने घोषणा की। ठीक है, घोषणा की कि जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आंकलन जारी किया गया, कि जंगली प्रजाति जो है सतत उपयोग के आंकलन पर जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। RBI की उदारीकृत मानदंडों के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत बाहरी वाणिज्यिक उधार की नई सीमा क्या है? दोस्तों, इसमें जितने प्रश्न आपको बताएंगे सभी प्रश्न जो है एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, और ज़्यादातर जो है बैंक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल इसको नोट डाउन जरूर करें अपने कॉपी में, क्योंकि ये जो जितने प्रश्न हैं बैंक से रिलेटेड है, तो चांस है एग्ज़ाम में आने का। तो नई सीमा क्या है? वो नई सीमा क्या है? 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है RBI के अधिकृत मानदंडों के अनुसार जो है स्वचालित मार्ग के तहत वाणिज्य उधार की सीमा है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया है? ECB का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, यही सब एग्जाम में पूछता है, जितने भी है कहीं कहीं बीच में जो है प्रश्न के बीच में जो है फुल फॉर्म दिया रहता है, उसको आप नोट डाउन कॉपी में जरूर करें। ECB का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटर्नल्स कॉमर्शियल्स ब्रोइंग। ठीक है दोस्तों, ये आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, और याद जरूर नोट डाउन करने से नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसका नोट में क्या दिया हुआ है? इसमें नोट में है, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को उदार बनाया। ठीक है, उपायों में ऋण बाजार में FPI निवेशों के लिए मानदंडों को आसान बनाया और स्वचालित मार्ग के तहत बाहरी वाणिज्य उधार की सीमा को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष प्रति वित्तीय वर्ष से बढ़ाकर 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर करना शामिल किया है। इसमें क्या क्या किया है? देखिए, इसमें क्या क्या किया है, इसमें सबसे पहले जो ऋण बाजार में जो निवेश करते हैं FPI निवेश के लिए मानदंडों को आसान बनाया है, इसको आसान किया है। दूसरा, स्वचालित मार्ग के तहत वाणिज्य के उधार की सीमा जो है उधार की सीमा को भी जो है वो 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर या इसके समकक्ष
प्रति वित्तीय वर्ष से बढ़ाकर जो है 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का करना शामिल किया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ जो है अच्छे प्रश्न है बैंक में से रिलेटेड। जितने देखिए आरबीआई से ये जो है एग्जाम जो होती है आरबीआई का, उसमें आने की संभावना है, इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल लॉन्च किया है। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बीबीआई प्रश्न भी है, किसने किया है स्टार्टअप स्कूल इंडिया का पहल जो किया है वो गूगल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं, कुछ डिटेल है। गूगल ने गूगल फॉर स्टार्टअप्स पहल के हिस्से के रूप में स्टार्टअप स्कूल इंडिया को लॉन्च किया है। किसके के रूप में किया है? गूगल फॉर स्टार्टअप्स के पहल के हिस्से के रूप में जो है स्टार्टअप स्कूल इंडिया को करने की घोषणा की है। यह एक ऐसा मंच है जिसके तहत गूगल निवेशकों, उद्यमियों और प्रोग्रामर्स को एक साथ लाएगा। ठीक है, किसके साथ, किसको लाएगा? इसके साथ निवेशकों को, उद्यमियों को और प्रोग्रामर्स को जो है एक साथ लाएगा और छोटे शहरों का स्टार्टअप्स को बातचीत करने और उसके सीखने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, गूगल का लक्ष्य इस कार्यक्रम के साथ कम से कम 10,000 स्टार्टअप्स तक पहुंचना है। मतलब इसके टारगेट बनाया है कि 10,000 स्टार्टअप तक इसको पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, इलैयाराजा जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, एक किस क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं? तो है संगीत के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं इलैयाराजा। ठीक है दोस्तों, इलैयाराजा जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है जो संगीत के क्षेत्र से प्रतिष्ठित है। आते हैं इसके नोट के बारे में बताते हैं, नोट में क्या क्या है। दिग्गज संगीत निर्देशक इलैयाराजा, एथलेटिक पीटी उषा और फिल्म पटकथा लेखक बी विजेंद्र प्रसाद और आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। देखिए इसमें कितने व्यक्ति आ गए, इसमें व्यक्ति आ गए 1, 2, 3 और 4, इसमें चार व्यक्ति इसमें नामित किया गया है राज्यसभा के लिए। कौन कौन? इलैयाराजा को, पीटी उषा को, विजेंद्र प्रसाद को और वीरेंद्र हेगड़े को। ठीक है, एक यहाँ पे पीटी उषा हो गए, यहाँ इलैयाराजा हो गया। तो इन सभी को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। पीटी उषा कहाँ से हैं? केरल से। पीटी उषा को जो है केरल से हैं, इलैयाराजा तमिलनाडु से हैं, वीरेंद्र हेगड़े जो है कर्नाटक से हैं और विजेंद्र प्रसाद जो है वो आंध्र प्रदेश से हैं। इन सभी को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। एक बार फिर बता देते हैं, फिल्म संगीतक निर्देशक कौन से? इलैयाराजा है, एथलेटिक पीटी उषा जी हैं और फिल्म पट कथा लेखक जो है वीरेंद्र प्रसाद हैं और अगला जो है आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मिशन वात्सल्य किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है? तो की गई है कौन केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है मिशन वात्सल्य जो है लागू किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसके डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। मिशन वात्सल्य जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित देश में बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक छत्र योजना है। ठीक है, मंत्रालय ने इस योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि राज्यों को फंड मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा, जिसका अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सचिव करेंगे। कौन करेंगे? अध्यक्षता जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 7th नंबर प्रश्न है, किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? तो कौन सा राज्य है? वो है छत्तीसगढ़ को जो है 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक द्वारा जो है वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के मंजूरी मिली है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसके डिटेल के बारे में देखते हैं, डिटेल में क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को
छत्तीसगढ़ सरकार को राज्य में 3,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्कूली शिक्षा परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने इस परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी, जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाना है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। आजकल जो हमारे देश में जो है विश्व बैंक के द्वारा जो है बहुत सारे जो है योजनाएं आ रहे हैं, और जितनी योजनाएं आ रहे हैं सभी अच्छे योजनाएं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो जितने प्रश्न हैं एग्जाम के पर्पज़ से बहुत अच्छा वी वी आई बार बार हम बोल रहे हैं आज क्योंकि हर एक प्रश्न जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है तो वी वी आई प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना है, इसको नोट डाउन रिविजन जरूर मारें। एक नंबर प्रश्न है कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज किस संस्थान से संबंधित है? ये जो संस्थान से संबंधित है यूनेस्को से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये भी VBI प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ICH का फुल फॉर्म क्या होता है? ICH का फुल फॉर्म पूछ देगा। देखिए यहाँ पर ICH का फुल फॉर्म क्या है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो भी करेंट अफेयर में जितने भी अभी एग्जाम में क्या आ रहा है, तो जितने भी करेंट अफेयर में आपको फुल फॉर्म जो देखने को मिलता है वही एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नोट की तरफ। भारत के 2022-2026 के चक्र के लिए अमृत संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया। भारत पहले ही 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक के दो बार ICS समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है। भारतीय यूनेस्को ने दो समिति संस्कृति विरासत 2022-2026 और विश्व विरासत 2021-2025 का हिस्सा होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। चलते हैं, पीस गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अब जो शेरपा के लिए नामित किया गया है वो है अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत को जो है G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में नामित किया गया है। जो इसके पहले कौन थे? पीयूष गोयल थे। पीयूष गोयल के बाद जो है अमिताभ कांत को शेरपा के रूप में नामित किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं, डिटेल क्या है इसका। डिटेल है नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में नामित किया गया, जो वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। ठीक है दोस्तों, भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष होगा। भारत कब से कब तक होगा? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, VBI प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। चलते हैं, विश्व के साथ साझा की जाने वाली सरकार की सभी डिजिटल परियोजना के एकल भंडार का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? इंडिया स्टैक ग्लोबल। क्या नाम है? इंडिया स्टैक ग्लोबल। इसके डिटेल में बारे में क्या है? डिजिटल इंडिया वीक 2022 समारोह के हिस्से के रूप में इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज पर एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च। ये पूछ देगा इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया, जो इंडिया स्टैक पर सभी प्रमुख परियोजनाओं का एक एकल भंडार है। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार के आधार डिजी लॉकर कोविन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन सहित कई ई गवर्नेंस टूल्स की दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट INS
तर्कश ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास को में हिस्सा लिया है? तो है सूडान। सूडान देश जो है भारत और सूडान के नौसेना के तरफ से जो है नौसेना के साथ जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास का हिस्सा लिया। ठीक है दोस्तों, इसके नोट में पढ़ते हैं। नोट में क्या बोल रहा है, भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट INS तर्कश ने जिबूती का दौरा किया और सूडान नौसेना के बेस के पास लाल सागर में सूडान नौसेना के जहाज़ों अलमाज और निमेर के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो की गई है ये नई दिल्ली में की गई। दोस्तों सभी प्रश्न आज भी आए हैं तो कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, नई दिल्ली में की गई है। इसके बारे में पढ़ते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा सेवाओं अनुसंधान संगठनों उद्योग और स्टार्टअप द्वारा विकसित अत्याधुनिक AI समक्ष समाधानों को प्रदर्शन करने और बाजार के लिए AI उत्पादों को लॉन्च करने के लिए आयोजित किया गया। क्या क्या लॉन्च किया गया इसमें क्या है, यह रक्षा उत्पादन विभाग जो है रक्षा मंत्रालय द्वारा सेवाओं अनुष्ठान संगठनों उद्योगों और स्टार्टअप द्वारा विकसित अत्याधुनिक AI समकक्ष समाधानों को प्रदर्शन करने और बाजार के लिए AI उत्पादों को लॉन्च करने के लिए आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कविताओं लेखों और प्रकाशनों को पहचान की और उसे प्रकाशित किया? तो वह संस्कृति मंत्रालय ने जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कविताओं लेखों और प्रकाशनों की पहचान की और उसे प्रकाशित किया। ठीक है दोस्तों, इसका नोट में क्या है कि 25 सप्ताह तक चलने वाली अमृत महोत्सव समारोह के लिए संस्कृति मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। इसने उन कविताओं लेखों और प्रकाशनों की पहचान की जिन पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था और उन्हें कैटलॉग के रूप में डाल दिया था, जिसे अब भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे है, ये रचनाएं 9 क्षेत्रीय भाषाओं बंगाली गुजराती हिंदी मराठी कन्नड़ उड़िया पंजाबी सिंधी तेलुगु तमिल और उर्दू में है। ठीक है दोस्तों, इन 9 क्षेत्रीय भाषाओं में जो था 9 क्षेत्रीय भाषाओं में क्या क्या थे, वो थे आपका कविता थे, लेख थे और प्रकाशन थे। इन सभी को जो है हमारे संस्कृति मंत्रालय ने इसको प्रकाशित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिंजो आबे जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो शिंजो आबे जो थे वो जापान देश के प्रधानमंत्री थे जिनको जो है हाल ही फिलहाल में उनको हत्या कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में पढ़ते हैं, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को निधन हो गया जो नारा शहर में एक राजनीतिक अभियान कार्यक्रम में गोली मारी गई। इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी विश्व नेताओं द्वारा शोक व्यक्त किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी है? तो GST दर कितनी है, 0% है। ये बहुत भिविया प्रश्न है क्योंकि अभी 15 अगस्त हमारे इंडिपेंडेंस डे है, तो इस समय जो जितने भी राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की जाएगी उस पर जो है GST दर नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका नोट में पढ़ते हैं,
वित्त मंत्रालय के हालिया अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री को वस्तु व सेवा कर GST में छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चाहे मशीन से बनाया हो या पॉलिएस्टर का, वस्तु एवं सेवा कर में से मुक्त है। ठीक है दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर से मुक्त है। कपास, रेशम, ऊन या खादी से बने हाथ से बुने हुए, हाथ से काटे गए राष्ट्रीय झंडे पहले से ही GST से मुक्त हैं। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो जो है टोटल 15 प्रश्न थे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक्स बोलते हैं, और हमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट प्रॉपर रूप में हमें मिल नहीं पा रहा है। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।